सो गैस, कुछ देर पहले कोटक महिंद्रा बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आ रहा है और ये जो रिजल्ट का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो मार्केट का एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया है। तो फिलहाल के लिए गैस, क्या कुछ आंकड़ा निकल के आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और साथ ही साथ गए सोमवार के दिन क्या कुछ चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा? क्या क्या फिर से हमको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा या फिर हमको तेजी देखने को मिलेगा? सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना एंड ऑल्सो इन फ्यूचर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर हम लोग एक महीने का रिटर्न की बात करें तो एक महीने के अंदर 9% का रिटर्न दिया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है। तो एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक एंड साथ ही साथ HDFC बैंक भी अंडर परफॉर्मर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 26% जाम देखने को मिला है, मगर फिर भी मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट नहीं कर पाया है। तो फिलहाल के लिए गाइस, CNBC TV18 का जो एनालिस्ट का पोल किया गया था उस पोल के अंदर हमको 2209 करोड़ रुपीस का आसपास ये प्रॉफिट का आंकड़ा देखने को मिलेगा ये बोला जा रहा था एनालिस्ट के द्वारा। तो फिलहाल के लिए जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो है 2071 करोड़ रुपीस का आसपास, जो कि क्लियरली जो एस्टिमेट किया जा रहा था उससे कम निकल के आया है। मगर फिर भी गाइस, से पिछले साल का क्वार्टर वन में जो आंकड़ा निकल के आया था उससे बेहतर है। पिछले साल हमको 1642 करोड़ रुपीस का आंकड़ा देखने को मिला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII में भी हमको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। आपको यह बार क्लियरली दिख रहा होगा कि FY23 क्वार्टर वन के अंदर हमको आंकड़ा निकल के आया है 4697 करोड़ रुपीस का आसपास, पिछले साल ये आंकड़ा था 3942 करोड़ रुपीस का आसपास। एंड ऑल्सो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी करंटली 4.92% के आसपास है, और साथ ही साथ CASA करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो अभी फिलहाल के लिए 58.1% है। और CNBC TV18 का जो NII का एस्टिमेट किया जा रहा था उससे थोड़ा सा बेहतर निकल के आया है, लगभग 1.8% हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है एस्टिमेट के मुकाबले। और साथ ही साथ गाइस, आप इस चार्ट के अंदर गौर करिएगा क्योंकि यहाँ पर गाइस ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का भी एक कंपैरिजन किया गया है, और पिछले क्वार्टर के अंदर हमको ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखने को मिला था 6470 करोड़ रुपीस के आसपास, और अभी फिलहाल के लिए 6379 करोड़ रुपीस हो गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर हमको देखने को मिला था 7932 करोड़ रुपीस के आसपास। नेट NPA हमको देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के अंदर 1737 करोड़ रुपीस, पिछले साल ये आंकड़ा था 2792 करोड़ रुपीस, और इसी क्वार्टर के अंदर हमको देखने को मिला है 1749 करोड़ रुपीस। यानी कि गाइस, अभी नॉन परफॉर्मिंग नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, और साथ ही साथ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो अभी फिलहाल के लिए गाइस 2.24 है, और पिछले क्वार्टर के अंदर 2.34% था और पिछले साल था 3.56%। नेट NPA हमको पिछले क्वार्टर के अंदर 0.64% देखने को मिला था और पिछले साल था 1.28%, और नेट NPA अभी इस क्वार्टर के अंदर हमको देखने को मिला है 0.62%। उसके साथ ही साथ कोटक बैंक के अंदर हमको लोन बुक का ग्रोथ देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मगर ईयर ऑन ईयर में 29% का हमको एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है लोन बुक के अंदर, और साथ ही साथ बैंक का भी। सो फिलहाल के लिए गाइस, कोटक बैंक के अंदर हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, और साथ ही साथ गाइस एस्टिमेट जो किया जा रहा था उसके कम अभी आंकड़ा निकाल के आया है। तो इसका जो रिजल्ट होगा जो कि एक अच्छा खासा गिरावट हमको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए गाइस, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा होगा कि एक
यू शेप पैटर्न का एक फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा पैटर्न फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे जो लगता है कि गाइस फिर से हमको गिरावट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा जो कि डाउन साइड लगभग गाइस इसी लेवल का आसपास 1764 रुपीज का आसपास हमको ये शेयर गिरते हुए दिखेगा। तो फिलहाल के लिए गाइस अभी शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर हमको लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोटक बैंक को आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ देखने को मिला तो फिर कोटक बैंक बेहतर है। मगर फिलहाल के लिए गाइस आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन फ्यूचर दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। एंड ऑल्सो इन फ्यूचर कोटक बैंक के बारे में और भी अपडेट के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।